हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और स्वागत है मेरे इस वीडियो पे। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि देखिए, ये मेरे पास प्रिंटर है, DCPT 420 ब्रदर कंपनी का है। तो इसमें ये आधार कार्ड है मेरे पास, इसको कैसे जेरोक्स किया जाता है, ठीक है। ये मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे आधार कार्ड को जेरोक्स किया जाता है। तो बने रहे मेरे वीडियो में, अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, ताकि ऐसा वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल पर आए, ठीक है। तो चलिए बिना कुछ देरी के मैं स्टार्ट करता हूँ कैसे इसको आधार कार्ड को जेरोक्स किया जाता है इसमें। तो सिंपली मैं अपने प्रिंटर पर आ गया हूँ, देख सकते हैं ये प्रिंटर है, ब्रदर का प्रिंटर है, DCPT 420W, ये मॉडल नंबर है ब्रदर प्रिंटर का। तो ये मैंने परचेस किया था वही 11,000 में, तो इसलिए आपको 11 से 12,000 के बीच में मिल जाएगा अभी। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ कि ये देखिए मेरे पास आधार कार्ड है, इसको कैसे इसमें जेरोक्स किया जाता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखिए, यहाँ पर स्टॉप का बटन है, मतलब ये मेरा लाइन दिया हुआ है इसमें, और पावर ऑफ है, तो इसको एक बार क्लिक कीजिएगा, पावर ऑन हो जाएगा। देखिए पावर ऑन हो गया है। ये वाईफाई का है, ये शॉर्टकट कॉपी का है, ये ब्लैक एंड वाइट है, और ये कलर का है। तो अभी ये बुक बैक करना स्टार्ट कर देगा, ये स्टॉप हो जाएगा, तो समझ जाइए कि मेरा प्रिंटर अब काम करने के लिए तैयार है। अभी एक ब्लिंक कर रहा है, अब देखिए ये बुक बैक करना स्टार्ट कर दिया, ये स्टॉप हो गया अपने जगह पर। तो अब स्टार्ट हो गया मेरा प्रिंटर यूज करने के लिए। आप सबसे पहले इसको ऐसे खोल लीजिएगा, उसके बाद ये आधार कार्ड है, आधार कार्ड को इसको जस्ट इस तरह रखिएगा, इस तरह कॉर्नर पर रखिएगा, इधर से थोड़ा सा जगह छोड़ के इधर थोड़ा जगह छोड़ के उसको इस तरह। अब रंगीन करना है तो रंगीन, और ब्लैक एंड व्हाइट करना तो ब्लैक एंड व्हाइट, तो इस पर जस्ट क्लिक कीजिए। देखिए प्रिंटर अब स्कैन हो रहा है और जेरॉक्स हो रहा है। ये देख सकते हैं जेरॉक्स हो गया है। अब इसके बाद इसको जस्ट इस तरह लगा दीजिएगा। दो तरीका से इसमें जेरॉक्स कर सकते हैं, एक है पीछे की तरफ से, देखिए देख सकते हैं पीछे की तरफ से, ये इसको इस तरह खोल दीजिएगा, ये इसको ऐसे कीजिएगा, जस्ट पीछे इसमें ऐसे डाल के इसको घुसा के प्रिंट कर सकते हैं। पीछे डालिएगा तो इसको जस्ट ऐसे कीजिएगा तो प्रिंट हो जाएगा, लेकिन मैं पीछे नहीं डालता हूँ, पीछे इस पर छोटा पड़ता है, यहाँ पर इसलिए डालता हूँ। अब इसको जस्ट इजी लगा के आगे से मैं आपको बताता हूँ। पीछे से अगर डालिएगा तो ऐसे जस्ट लगाइएगा, और पेपर कैसे बदलना है वो आपको बताता हूँ। पेपर सेम रहेगा यहाँ बदलने का, लेकिन ये प्रोसेस पीछे से अगर डालिएगा तो ऐसे सीधा डालना होगा, तब आपका इधर प्रिंट होगा, ठीक है, इधर स्कैन होगा। और इधर से डालिएगा तो मैं आपको बताता हूँ, जस्ट इसको इस तरह जस्ट ऐसे पलट दीजिएगा, देख सकते हैं ये पेपर है, जस्ट इसको ऐसे पलट दीजिएगा। अब इसको ऐसे उठा लीजिएगा, इसके अंदर पेपर जस्ट ऐसे घुसा दीजिएगा, देख सकते हैं ये ऊपर रहेगा, इसको ऐसे ढक दीजिएगा, इसको निकालिएगा तो यहाँ रेड लाइट जल जाएगा, मतलब कि ये अभी तैयार नहीं है जेरॉक्स करने के लिए। इसको जैसे लगाइएगा रेड लाइट ऑफ हो जाएगा, अब तैयार है जेरॉक्स करने के लिए, ठीक है। उसके बाद इसको जस्ट खोलिएगा, जैसे रखे हैं वैसे जस्ट इसको उठा के ऐसे पलट दीजिएगा, अब इसको लगा दीजिएगा, फिर से मोनो बटाइएगा, मोनो बटन दबाइएगा, देख सकते हैं जेरॉक्स तैयार हो गया होने के लिए। देख सकते हैं जेरॉक्स कितना अच्छा तैयार हो गया है। तो जस्ट मैं आपको बता दिया हूँ कि कैसे इसको आधार कार्ड को जेरॉक्स किया जाता है। तो वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।